killed an eye. I look up God, he has a student, he claimed it. He said, yeah, it's still, it's high. And he shot in the distance, okay, because umpire's there. तो दोस्तों इंडिया वर्सेस बांग्लादेश की ऑडराई श्रृंखला खत्म हो चुकी है, जो कि इंडिया 2-1 से हार चुकी है और जिसमें कि बांग्लादेश ये सीरीज अपने नाम कर चुकी है। पर तीसरे मैच के दौरान कुछ ऐसा हुआ जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, विराट कोहली हो गए गुस्सा, वो भी अंपायर के डिसीजन पे। तो बात ये थी कि जब बॉलर ने उनको बॉल डाली, वो बॉल डायरेक्ट फुल टॉस थी और उनको लगा कि उनके कमर के ऊपर है, यानी कि बेस हाइट से ऊपर है और वो बॉल को नो बॉल करार देना चाहिए। तभी अंपायर की तरफ वो देखते हुए इशारा करने लगे, मगर साकिब अल हसन वहां तुरंत आ गए, जो कि साकिब अल हसन इस बात को लेकर खुश नहीं थे कि विराट कोहली खामखां के लिए नो बॉल की अपील क्यों कर रहे हैं, जो कि ये अलाउड नहीं है क्रिकेट में। अगर अंपायर का डिसीजन जो फाइनल होता है वही दिया जाना चाहिए था। तो साकिब अल हसन वहां पे आए और विराट कोहली को समझाया कि आप अपील नहीं कर सकते अंपायर से और ये बिल्कुल गलत बात होती है और ये लीगल नहीं है और रूल्स के खिलाफ है। तो इसी बात को लेकर उन दोनों में थोड़ी बहुत बहस हुई, जो कि हंसी का माहौल ही रह गया और ये बात कुछ आगे नहीं बढ़ी और सीरियस नहीं हुई। पर दोनों के बीच जो टॉपिक था वो बहुत ही ज्यादा सीरियस था और साकिब अल हसन और विराट कोहली दिखे कि वो ग्राउंड के बीच में कुछ बात करते दिखे और वो बात सीरियस नहीं हुई। मगर आगे जो टेस्ट श्रृंखला होने वाली है, क्योंकि टेस्ट श्रृंखला में विराट कोहली भी होने वाले हैं और साकिब अल हसन भी मौजूद रहने वाले हैं, तो जिसकी वजह से दोनों के बीच थोड़ी तकरार हो सकती है और ये गर्मा गर्मी टेस्ट श्रृंखला में भी चलेगी। तो आगे ये कितनी आगे बढ़ सकती है उसके बारे में मैं बताऊंगा और लेके आऊंगा आपके लिए डिटेल वीडियो और सब कुछ उसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो उन सब वीडियो को पाने के लिए आप नीचे जो लाल कलर का बटन है उसको कर ले टच और हमारे चैनल को कर ले सब्सक्राइब। तो फिर मिलते हैं टीम इंडिया, साकिब अल हसन, विराट कोहली और ऐसी इंटरेस्टिंग न्यूज लेकर। तो तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, कीप प्लेइंग, प्ले हार्ड।